भाई साहब इतना सारा पिक्चर की गाड़ी का हालत पूरा पंचर कर दिया। ये ऊपर से देखो पत्थर आया यहाँ पे। रुको 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 एक मिनट रुको 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 फटाफट 1 2 3 गिरा कैसे गिरा हैंडल गार्ड गया। रुको 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 छोड़ो 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 हाँ छोड़ो कुछ नहीं गिरेगा अभी नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा अभी कांड हो गया। ओ भाई साहब अगर यहाँ पे गिरे तो डायरेक्ट किचन में ही लगेगा। ओ लगा बाइक में लगा रेस करेगा रेस। ओ भाई साहब नहीं करेगा रेस। जब इसने पार कर दिया तो मैंने भी पार करना ही पड़ेगा। ओ भाई साहब क्या गंदा सा लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे पूरा रास्ता चला। बारिश का मुझे पूरा मूड ऑफ होके बैठा है। बाइक में पूरा सामान वगैरह पूरा बांध के रखा हुआ है पूरा रेडी हो चुका है बट बारिश का वजह से हम निकल नहीं पा रहे। बहुत दिमाग खराब हो रहा है। ओ क्या करेगा। सो ये गाइस नमस्ते वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस देख सकते हैं पैकिंग वगैरह पूरा हो चुका है बट इसमें ना अभी हम लोग प्लास्टिक लगाएंगे तो हार्डवेयर का जो दुकान है वहाँ पे रुक के हम लोग बढ़िया से इसमें प्लास्टिक का लेयर लगाएंगे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर बारिश आए तो मेरा कपड़ा वगैरह जितना भी सामान है सब भीग जाएगा। तो गाइस हमने फ्यूल अप कर लिया बट ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा कम स्पेस हो गया ना तो मुझे बैठने के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो भाई ने भी फ्यूल अप कर लिया। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और ये है मेका। मेका से सीधा यहाँ से जाएंगे लाइक तेजू वाला रोड दोंग वैली की ओर और इधर रोइंग है इधर आपका पासीघाट का 300 यहाँ से जा सकते हैं। हम लोग का घर से पास वाला ब्रिज सिमारी ब्रिज जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है सिमारी ब्रिज। ये देखो पूरा टूट गया था बट अभी तो इसको नहीं बनाया अभी तक तो संभल के चलाओ यार यहाँ पे कर्व है ना कर्व है इसका वजह से मतलब पता भी नहीं चलता। तो गाइस अभी हम लोग कोल्डू पार हो चुके हैं तो ये ब्रिज के आगे है हमारा डिगारू। तेजू वेलकम टू तेजू। चलो अभी तेजू के अंदर एंटर करते हैं। वेलकम टू तेजू गाइस। हाँ 2 मीटर तो गाइस इसको लेंगे 2 मीटर। ब्रेकफास्ट हो रहा है तेजू में और कुछ इस तरह का परोठा खा के जाएंगे और हायोलुंग में लंच कर लेंगे बढ़िया से। उनको मिल चुका है अमन भाई तेजू में थैंक यू सो मच। और मेरा दूसरा वाला दोस्त तुम भी ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे पूरा बांध के एकदम रेडी हो चुका है। देखो पूरा बढ़िया से बांध दिया अभी ये नहीं गिरेगा बढ़िया से लेके जाएंगे। चलो अमन कहाँ लेके जाएगा बोल रहा था तुम हम लोग को। चलो चलो थोड़ा आगे चलते हैं आइए हम लोग थोड़ा दूर तक छोड़ने जा रहे हैं थोड़ा छोड़ के आएगा भाई लोग। हाँ ठीक है चलो ठीक है मिलता है बाद में बाय बाय। हाँ चलो चलो गाइस थोड़ा आगे चलते हैं अभी। वहाँ से सीधा जाएंगे डोंग वैली की ओर। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 11 तो आज तो रात ही हो जाएगा शायद पहुँचते पहुँचते देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पे हमारे अमन ब्रदर चल 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 भाई मजा आया रेस। ओ भाई साहब नहीं करेगा रेस हार जाएगा हम। ओए तुम कब पार्टी देगा बोल रहा था कब इतना पार्टी। पार्टी होने वाला था 1-2 दिन में लेकिन ये जा रहे हैं वहाँ पे तो मैं नहीं रहूंगा शायद ये पार्टी मनाएगा होगा मेरे बिना मिस करेगा हमको और बाद में हमको केक खिलाएगा ना। स्पेशल से होगा फिर ना जब तेरा घर पे आएगा तब कुछ करते हैं ना। हाँ ठीक है क्या करते हैं पता नहीं समझ जाओ। हाँ भाई आगे जाके रुकते हैं आराम से मिलते ठीक है कोई नहीं। और ये लोकेशन बहुत ज्यादा फेमस लोकेशन है यहाँ पे ज्यादातर रील्स एंड वीडियोस बनाते हैं लोग ना। यहाँ पे आता है तेजू का लड़की लोग रील्स बनाने के लिए लड़की लड़का लोग बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे ज्यादा आते भाई। हाँ लड़का लोग नहीं है ये तेजू का बंदा इसी को पता है तो आ जाओ। चलो भाई कोई नहीं अच्छा जगह है हम लोग भी थोड़ा रुक लिए। ओ भाई साहब लोकेशन चेकआउट करो बंदा पूरा चाप रहा है और ऐसा मक्खन वाला रोड पे कौन नहीं दौड़ाएगा गाइस। बहुत ही बढ़िया रोड है बहुत ही बढ़िया रोड है। तो अब अपना सफर यहीं तक था संतोष भाई और इसको मैं छोड़ने के लिए यात्रा ब्रदर को छोड़ने के लिए आया था डिम्बे तक। तो चलो अभी प्लेस का नाम डोंगे डिम्बे 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 तो ऑल द बेस्ट ना थैंक यू सो मच। अभी अच्छे से जाओ बाद में मिलते हैं कभी दिन बाद में रिटर्न आके कांटेक्ट करो अगर रहा तुम यहाँ पे होगा तो जरूर मिलेगा बिल्कुल। चलो ऑल द बेस्ट आपको भी थैंक यू बढ़िया से राइड मारना एकदम धीरे धीरे जाना ठीक है रोड थोड़ा सा खराब है
ओल्ड बेस्ट ब्रदर। हाँ दिल से दिल मिलना चाहिए, दिल से दिल मिलना चाहिए इससे, है ना। चलो फुल सपोर्ट करो भाई लोगों को। ओके और आ जाओ घुमाएंगे बढ़िया तरीके से, एकदम डीपली करना, ठीक है। हां ठीक है, ओके बाय बाय गाइस। बाय बाय मतलब बाय बाय अमन, हाय हाय मिलेंगे। हां यहां से हमें मिल रहा है कच्चा सड़क और यहां से पूरा बन रहा है नेशनल हाईवे, मतलब टाइम लगेगा इसको बनने के लिए, अभी पूरा कटिंग चल रहा होगा ऊपर तक, तो देखते हैं ये रोड कहां तक मिलता है। परशुराम कुंड जाने वाला जो रास्ता है ना गाइस, वहां तक ही है ये रोड। आगे तो आपको हाईलूम जाने वाला रोड तो एकदम बढ़िया है, मतलब हम जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे वहाँ पे थोड़ा थोड़ी ख़राब मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर तो अच्छा रोड ही मिलेगा। और कुछ इस तरह का है यार, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ऐसा रोड में ना। और रास्ते में कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर से पूरा पानी आ रहा है और पानी पूरा कटिंग कर रहा है रोड को, और रोड कुछ इस तरह का है गाइस यहाँ पे। और ये परशुराम कुंड वाला रास्ता है गाइस, यहाँ से परशुराम कुंड जाते हैं ये रास्ता से। ओ भाई साहब यहाँ पे हुआ था लैंडस्लाइड गाइस, तगड़ा सा। ओ इतना सारा कीचड़ है यार यहाँ पर। ओ भाई साहब कहाँ से लेके जाऊँ मैं, यहाँ पे तो बहुत बड़ा पत्थर है, अगर गिर गया तो क्या यार। हाँ मैं तो संभल के निकल गया, पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्या पत्थर है ना, जब पानी जमी रहती है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें पत्थर कहाँ रहता है कुछ पता ही नहीं चलता। भाई साहब यहाँ पे हुआ था कुछ भयानक सीन, ये गाड़ी से लगने वाला था यार इनको, लेकिन बच गया, इतना बड़ा गाड़ी है ना पता भी नहीं चलता। भाई साहब पत्थर था यार आगे में, दिखा भी नहीं। ओए 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 बच गया। बाप रे वाह क्या बढ़िया लग रहा है देख के ये वाटरफॉल को ना। अरे वो ट्रक वाला देखा? हाँ देखा, हम ऐसा किया ना तब तो ब्रेक मारा, नहीं मारना था हम लोग ने कुछ नहीं खाया यहाँ पे टीवी रोड पे, तो अभी हम लोग डायरेक्ट सीधा जा रहे हैं हाईलूम, हाईलूम पे खा लेते हैं लंच एकदम बढ़िया से, तो नॉन स्टॉप राइड करेंगे हाईलूम की ओर। ओ भाई साहब यहाँ का रोड देखो, यहाँ का रोड का कंडीशन पूरा लैंडस्लाइड गिरा हुआ है, पहले तो थोड़ा ठीक था ये तो और ज़्यादा ख़राब हो रहा है यहाँ का रोड ना। ओ तेरी क्या, छोटा छोटा गाड़ी को लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, फुल ऑफ रोडिंग वाला रास्ता हो गया यार यहाँ पे। चलो कोई नहीं, यहाँ से पूरा डाउन मिलेगा हमें, कुछ इस तरह से पार करना पड़ता है यार खुद को, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, समझ गया। देखो गाइस कितना सारा पत्थर लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से पार होकर जाना पड़ता है। भाई साहब यहाँ पे चल तो जाएगा, जब इसने पार कर दिया तो मैंने भी पार करना ही पड़ेगा। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़त्म है यार, देखो गाइस। ओ ओ भाई साहब ओए थोड़ा डर डर के पार कराया मैंने, सोचा था बड़ा पत्थर मिल गया उनसे वहीं पे पैर रखना पड़ना था, तो पैर अगर वहाँ पे रखने से पूरा कीचड़ कीचड़ पानी में डूब जाना था यार। ओ भाई साहब इतना बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा हुआ यार, तो भाई साहब ये क्या हो रहा है, खतरनाक 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 खतरनाक। ओ भाई साहब फटेगा, क्या हो गया? ये देखो रास्ता पूरा निकल चुका है क्योंकि यहाँ से लैंडस्लाइड आया था, और ये जो मेन रास्ता ये ख़त्म हो चुका है, अभी यहाँ से बना के रखा है। कोई नहीं फिर भी रास्ता तो बन चुका है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से जाएगा? हाँ हाँ, यहाँ ज़्यादा गहरा है, यहाँ से बाइक गया पानी के अंदर, मैंने बोला था इधर से जाएंगे बोल के, यहाँ से थोड़ा इतना गहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। ओ भाई साहब R15 का ऑफ रोडिंग गाइस बढ़िया होता है, बारिश आने से यहाँ पे ना कब लैंडस्लाइड गिर जाए पता ही नहीं चलता। R15 के साथ यार हर कोई नहीं सकेगा ऐसा ऑफ रोडिंग करने के लिए, सच्ची बता रहा हूँ गाइस बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। भाई क्या हुआ? हाँ यहाँ पे नहीं, आगे 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 सीन बहुत अच्छा है। पानी पी लिया गाइस, पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे भी गर्म हो चुका है, सुबह तो इतना बारिश दिया था देख ही सकते हो, मैंने दिखाया था आपको, अभी अचानक से इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। और यहाँ पे देखो ओए ओए ओए, तो हम यहाँ पे रुकेंगे बिकॉज यहाँ से क्या बढ़िया लोकेशन दिखता है ना, क्या बोलो पूरा परशुराम कुंड का लोकेशन दिखता है। चलो अभी थोड़ा व्लॉग करते हैं। तो गाइस हम लोग रेनकोट उतार रहे हैं, इतना गर्म लग रहा है यार, तो गर्म से मरने वाला हूँ, और पीछे तो लोकेशन चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और भैया लोग जा रहे हैं कुछ इस तरह से सामान लोग लेके, और इधर भी देखो
पूरा सब लोग जा रहे हैं एकदम सामान वगैरह लेके, सिलेंडर आलू प्याज सब लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि उधर चाहिए होता है ना ऊपर ऊपर, तो यहाँ से सप्लाई होता है ऊपर की तरफ। इतना गर्म लग रहा था ना ये पहन के, यार क्या बोलूँ, शूज़ भी खोलना पड़ेगा लग रहा है मुझे, शूज़ खोल के ही हम रेनकोट को उतार पाएंगे, नहीं तो दिगदरिया से ना। अच्छे तो आप देख सकते हो वो ब्रिज आपको जो दिखाई दे रहा है वो है परशुराम ब्रिज, और ये जो दिखाई दे रहा है ये है लोहित रिवर, लोहित ब्रिज भी बोलते हैं गाइस, बट हम लोग परशुराम ब्रिज भी बोलते हैं, परशुराम कुंड भी बोलते हैं, और कुंड वहाँ पे देखो, ये देखो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना वो परशुराम कुंड है वहाँ पे, और ये लोहित ब्रिज और लोहित रिवर, और व्यू चेकआउट करो गाइस क्या बढ़िया लग रहा है। सुबह तो इतना बारिश आया था, सोचा भी नहीं था कि अभी इतना मौसम खुल जाएगा बोल के, बट हम लोग बहुत ज़्यादा लक्की है जो मौसम पूरा खुल गया और हम लोग के लिए एकदम बढ़िया राइड हो गया। तो देखते हैं आज हम लोग डोंग पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या फिर आगे या हमें स्टे करना पड़ेगा, कोई आइडिया नहीं है। जहाँ होगा वहीं बैठेंगे, जहाँ होगा वहीं खाएंगे, जहाँ होगा वहीं सोएंगे, और जहाँ होगा वहीं राइड करेंगे। तब तक आप लोग थोड़ा नज़ारा का लुत्फ़ उठाइए। हमारे लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने के लिए, ये देखो ये गाड़ी को कितना तकलीफ हो रहा है, धीरे 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 करके उतार रहे हैं, बिकॉज सच्चे में गाइस बहुत बड़ा बड़ा बोल्डर है यहाँ पे, बहुत तकलीफ है, और ऐसे में अगर चक्का पंचर हुआ ना बहुत ज़्यादा फटेगा, मतलब फटेगा, ड्राइवर का तो फटना ही है और हमारा भी अगर हुआ तो हम लोग का भी फटेगा। ऐसे हमें जब तक मेन हाईवे नहीं मिलेगा ना वहाँ तक पूरा रास्ता ख़राब है गाइस, पूरा ख़राब है, और नीचे पूरा ढलान है, अगर नीचे गए तो सोचो नीचे गए ही गए। ओ नहीं नहीं नहीं, मैं तो ओवरटेक करने वाला नहीं हूँ भाई, रास्ता इतना ख़राब है यार। चलो भाई अब पुन भी ओवरटेक करते हैं, यहाँ का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार, बहुत ही ज़्यादा ख़राब यार। हाईवे देखने को तो मिला, इतना ऑफ रोडिंग है यार ये रास्ता। तो गाइस फाइनली हम लोग हाईवे में पहुँच ही चुके हैं, और ये बंदा अपना बाइक को लगा के रेडी है फ़ोटो खिंचाने के लिए। अभी जस्ट पहुंचा है हाईवे पे, ये हाईवे दिखाई दे रहा होगा मेन हाईवे, और यहाँ से हायलुंग 66 किलोमीटर की भी तो आपका 213 हवाई 133 वालोंग 168। अभी भी बहुत सारा राइड करना है, बहुत लंबा राइड है गाइस, और ये जो रास्ता है ना हम लोग ये रास्ता से आए थे, ये ऊपर वाला रास्ता से बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, 168 है, हाँ मार लेगा कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो रोड है ना स्पीड को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, कोई नहीं चलेगा, अभी तो हाईवे मिलेगा ना, अभी तो रास्ता अच्छा है, अभी तो पकड़ ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस देखो ऊपर चेकआउट करो, इतना बड़ा बड़ा पत्थर पूरा लटका हुआ है, कभी भी गिर सकता है, पता नहीं यार इतना खतरनाक ये लटका हुआ है, देख के डर लग रहा है। और ये जो रास्ता है ना यहाँ से हम परशुराम कुंड जाते हैं, तो चलो गाइस फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट और भूख भी लग रहा है। हाईवे में जाके खाना खाएंगे 66 ना, ऑलमोस्ट 30 मिनट में पहुंच जाएंगे हम वहाँ पे जाके ठीक से लंच दबाएंगे, उसके बाद फिर से राइड शुरू करेंगे, ठीक है चलो। चलो गाइस हाईवे की ओर चलते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है बोल के यहाँ से निकाल दिया रास्ता, देखो ये पहले ये ब्रिज से हम लोग गए थे, बट लैंडस्लाइड होने की वजह से अभी रास्ता यहाँ से हो चुका है, और कुछ इस तरह का पानी है, पानी को फाड़ करके जाना पड़ेगा गाइस। एक अच्छा लोकेशन है, मेरे पीछे आओ। ओ भाई साहब क्या गंदा सा लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे, पूरा रास्ता चला गया गाइस नीचे, वाह फिर वाह बहुत ही गंदा सा, देख के डर लग रहा है। चलो आगे की ओर यार, यहाँ पे भी जाने के लिए तैयार हो रहा है गाइस, और दीदी लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, देखो रास्ता तो बहुत छोटा हो गया, अभी गाड़ी लोगों को भी जाने के लिए बहुत तकलीफ है, और देखो वाटरफॉल यहीं से पानी पीते होंगे दीदी लोग, बहुत ही नेचुरल पानी है यार, बहुत सफा पानी होता है ऐसा पानी ना, बहुत ही बढ़िया लगता है गाइस। ये देखो यहाँ पे भी बनाया रास्ता, यहाँ पे भी बनाया गया, और मेरा पीछे का ये जो छोटा छोटा गिट्टी दिखाई दे रहा होगा बीच में ना, मेरा पीछे का चक्का ना उसमें लग के सरक रहा है ऐसा 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 करके, और मेरे पास तो ऐसा कुछ राइडिंग बूट भी नहीं है ना, जैकेट वगैरह है, और जैकेट जो लगाया था वो इतना गर्म हो रहा था गाइस, सच्ची में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, इसलिए खोल के निकाल दिया उसको मैंने। अभी नेक्स्ट राइड 2-3 राइड में मैं लूँगा थोड़ा पैसे जमा करके, मेरे पास पैसा थोड़ा था लेकिन मेरा ना आईफोन का केबल टूट गया, तो आईफोन का केबल टूटने की वजह से ना उसमें मेरा चला गया 1900 ड्रॉइंग से लिया मैंने ना, उपाय नहीं था, और ये राइड के लिए मुझे चाहिए था आईफोन का केबल ना, तो मैंने एक मंगाया था आईफोन का केबल, उसको कैंसिल करके यहीं से ले लिया 1900 का केबल, तो वहाँ पे मेरा 1900 बहुत ही ज़्यादा चला गया, तो इसलिए मतलब थोड़ा बजट हिल गया क्या गाइस। तो अभी देखते हैं, जब पैसा होगा ज़रूर लूँगा मैं एक राइडिंग जैकेट,
अभी तो नहीं है, आप लोग भी सोचते होंगे बिना राइडिंग जैकेट का राइड कर रहे होंगे। यहाँ पे पूरा काम चल रहा है यार, हाँ हाँ कैमरा लग रहा है, रास्ता ठीक है ना? अरे इसमें रास्ता ठीक है, इसमें दिखाओ हमको, दिखेगा ऐसे? नहीं वो वीडियो में देखिएगा, आपको मोबाइल होने से आप उस वो करिए ना, आएगा ना आपका मोबाइल मोबाइल में। नाम क्या आप लोग का? मेरा नाम संगेलामा। संगेलामा और आपका? मैं रामराज मीणा। राजमन। और आपका? काबरेल। और आपका? फिल्सन। आप लोग पूरा काम कर रहे हो ना यहाँ पे, जितना लैंडस्लाइड है सबको सफा कर रहे हो ना? चलिए ओके। लंच वगैरह कुछ नहीं किया, बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, अभी जाके हाईवलियांग में खाएंगे। इधर होने से अब भी खिलाना था पीछे। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बाद में मिलेंगे कभी। ठीक है सर, चलिए बाय बाय सबको। हाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये सर लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। यार जितना भी लैंडस्लाइड हो रहा था ना, ये सब ये सर लोग ही सफा कर रहे हैं, मतलब ये लोग काम लगा रहे हैं यहाँ पे ना। सफा करना जरूरी है ना, क्योंकि रास्ता को सफा करके रखेंगे तभी ना तो गाड़ी वगैरह आना जाना होते रहेगा ना। हाईवलियांग 47 किलोमीटर, यहाँ पे एक मंदिर है और ये मंदिर का हम लोग एक बार दर्शन करके जाएंगे। यहाँ से रोड थोड़ा ख़राब है, एक बार दर्शन करके जाएंगे। हाँ रुको 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 रुको, एक मिनट रुको रुको रुको, उठाओ फटाफट। 1 2 3 शुक्र गिरा हैंडल गार्ड गया। रुको रुको रुको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाँ छोड़ो, कुछ नहीं गिरेगा अभी, नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा अभी, हैंडल हो गया चिपका देने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेके चलो इसको से चिपका देंगे ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी स्क्रेच तो नहीं लगा, नहीं लगा। अचानक से गिरा यार, कोई नहीं, फिर भी भगवान लाइक बड़ा कुछ होने से बड़ा चीज़ होने से बचा लिया। चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ आराम से गिरा, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक भी इतना भारी है और रास्ता यहाँ से पूरा ख़राब है गाइस, टाइम तो लगेगा हमें पहुँचने के लिए अपना डेस्टिनेशन। तो गाइस अभी हम लोग खा रही है एप्पल और अमरुद जो यात्रा ने खरीदा था कल शाम को, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार सच्ची में, ऑलमोस्ट अभी 2:30 हो चुके हैं और आज का पता नहीं ठिकाना क्या होगा। अभी हम लोग हाईवलियांग में जाके लंच करेंगे और अभी तक पहुँचे नहीं है, टाइम है हाईवलियांग पे पहुँचने के लिए, तो अभी यही खा रहे हैं, थोड़ा ये खा के थोड़ा एनर्जी बनाएंगे। और लोहित रिवर को देख सकते हैं, ये व्यू बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से देखने के लिए, इसलिए यहाँ पे रुके थे, थोड़ा रेस भी कर रहे हैं। इससे झटारो माने से आदमी झटारो इससे झटा देखो ना कितना बड़ा है। हिंदी में क्या बोलते हैं झटारो को? थ्रो करना। अच्छा हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, इंग्लिश में बता दिया, नेपाली में झटारो बोलते हैं। फेंकना मतलब थ्रो करना, फेंकना मतलब थ्रो करना को हिंदी में क्या बोलते हैं? फेंकना। कमेंट करना आप लोग पता है, ठीक है। नेपाली में बात करता है थोड़ा थोड़ा गाइस, वो नेपाली हो बंदे है ना। तो गाइस अब इसको खा लेते हैं और निकलेंगे थोड़ी देर में, यार बहुत ज़्यादा थक गया यहाँ पे, थोड़ा देर लेटूंगा मैं, पूरा पीठ का हालत पहुँच रही है ये बाइक में सच्ची में यार बहुत मुश्किल है ये बाइक चलाना है। चलो थोड़ा खा लेते हैं उसके बाद निकलते हैं यार। तो हम लोग यहीं पर लंच करेंगे, हाईवलियांग में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और रास्ता भी ख़राब है, तो ऐसा रास्ता ख़राब में ज़्यादा भूखा भूखा चलाने से भी रिक्स हो सकता है ना, इससे अच्छा खा के ही निकलेंगे यहाँ से। हम लोग पहुँच चुके हैं तितिल में और यहाँ पे हम लोग लंच करने वाले हैं, देखो कितना बढ़िया सा आया है अपना लंच, यहाँ पे चिकन वगैरह है। यार बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, मुर्गी भी चिल्ला रखे हैं कह कह करके, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, बिना खाना खाए तो राइड भी नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अच्छा पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद राइड शुरू करेंगे। अभी चलते हैं अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर करते हैं, अभी थोड़ी देर में हमें अंजाव डिस्ट्रिक्ट एंटर करना पड़ेगा, शायद पास वगैरह भी मांग सकता है, तो पास तो है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। वो ब्रिज का उस पार अंजाव डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है और यहाँ पे अभी हम लोग जो चला रहे हैं ना ये लोही डिस्ट्रिक्ट ही है। तो हाँ यहाँ पे तो पूरा कीचड़ हो गया बैठा हुआ यार, ये देखो ये ब्रिज जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, उधर है अंजाव डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लोहित और ये बीच में रिवर, बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस, वाओ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो गाइस हम लोग का पास वगैरह चेक हो चुका है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से, और ये है चेक गेट जो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, ये लीजिए आपका पास, आपका धेमाजी से आया है बोल रहा है सर ने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग अंजाव डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से हम लोग का डेस्टिनेशन शुरू होगा डोंग वैली की ओर। चलो गाइस अभी चलते हैं, ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकते, निकलते यार शाम होने वाली है, 3 तो बज चुके हैं, अभी तो ऑलमोस्ट 1 कितना है
150 किलोमीटर। वाह भाई, गार फटेगा सही। रास्ता भी बहुत ज्यादा खराब है, पता नहीं क्या होगा। आया यार, मेरा तो ये बाइक में हालत पंचर हो रहा है, पता नहीं आगे का व्यू कैसा होगा, पता नहीं गाइस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला मेरे लिए। मैंने बताया था कि ऊपर से पूरा पत्थर आके ना ये गाड़ी का हालत पूरा पंचर कर दिया। ये ऊपर से देखो पत्थर आया यहाँ पे। हम लोग जाएगा डोंबेली, तो बहुत सारा कीचड़ है यार। ओए चक्का पूरा स्लिप हो रहा है यार, ज़्यादा स्पीड से लेके भी नहीं जा सकता। रोड कटिंग चल रहा है यहाँ पे ना। ओ भाई साहब, ओए अगर यहाँ पे गिरे तो डायरेक्ट किचन में ही लगेगा। ओह लगा, बाइक में लगा, बाइक में लगा। ओ भाई साहब लीन होके चलाना पड़ रहा है यार, बहुत पेन हो रहा है यार अभी मेरा बैक बोन में। फाइनली यार ये टू लाइन बना रहा ना, इसका वजह से पूरा रोड कटिंग चल रहा है। हमारे पास स्लीपिंग बैग है, टेन है, बस खाने के लिए लाइक चना वगैरह है और शायद एप्पल वगैरह है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अबे यार हमें रुका दिया उन्होंने हाथ लगा के ना, शायद वहाँ पे कुछ काम कर रहा होगा, और वहाँ पे भी देखो काम चल रहा है किसी भी वो वगैरह का, तो अभी थोड़ा देर रुक जाओ बोल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी कितने देर रुकना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे भी हमारे पास टाइम ही नहीं था, और रुकना पड़ेगा बोल रहे हैं। ओह ये बैग तो और ज़्यादा दिक्कत कर रहा है यार, यहाँ का रोड भी ब्लॉक होता है सुना। ओ भाई साहब इतना सारा किचन, तो गाइस व्यू देखो, शाम होने वाली है और व्यू चेकआउट करो, क्या बढ़िया लग रहा है, और पूरा मक्खन वाला रोड, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है राइड करके। ऐसा रोड मिल जाए तो और क्या चाहिए यार, ऐसा रोड ही तो चाहिए था हमें कब से। हम लोग हायुलियांग पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है इसलिए हम लोग रुके। कैसा व्यू पॉइंट है मैं बताता हूँ, एक्चुअली गाइस सनसेट होने वाली है, मतलब हो ही गया, यहाँ पे तो सन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये जो पहाड़ से नीचे चला गया सन जो ना, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे यात्रम और मैं काफ़ी दूर से राइड करते हुए यार, आज तो पूरा बैंड बज गया, कितने दिन के बाद मैंने राइड किया, मोटो ब्लॉग किया गाइस, ये मेरा ऑलमोस्ट 9 मंथ का बाद ही मैंने मोटो ब्लॉग स्टार्ट किया। और जहाँ तक मैंने देखा है, पहले जब ये रोड को अभी मैं देख रहा हूँ ना, पहले ये रोड ऐसा नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा ख़त्म था, बट ये रोड बहुत ज़्यादा सुधरा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। शायद ये आने वाले राइड में तो ये रोड पूरा बन जाएगा होगा एकदम बढ़िया से, आशा करता हूँ जल्दी बन जाए ये रोड, सबके लिए सही होगा, टूरिस्ट के लिए भी सही होगा और यहाँ के लोगों के लिए भी सही होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए ये रोड ना जल्दी। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा देर रुकते हैं क्योंकि सनसेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और देखो ऐसा कुछ आ रहे हैं लोग स्कूटी में, और यहाँ पर लोहित रिवर देखो, ये रिवर पूरा नीचे जा रहा है, और यही रिवर जाता है परशुराम कुंड की। और गाइस अभी और हमें 100 जैसा कोवर करना है, 100 किलोमीटर जैसा कोवर, मतलब 100 किलोमीटर जैसा राइड करना है गाइस, तो थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं क्या होता है आगे का सिचुएशन, मैं तो पूरा थक गया। ओ भाई, ओ यात्रम भाई, क्या है लड़की का साथ बात करे क्या, गर्लफ्रेंड का साथ बात करे, देखो ओ अच्छा ऐसा है क्या, देखिएगा तो और स्टोरी अपडेट कर रहे हैं, मैं सोचा लड़की के साथ बात कर रहा है, इतना हैंडसम मुंडा है भाई, क्या पता हो भी सकता है ना लड़की सर की। तो लोकेशन कुछ ऐसा है, पहाड़ों को चेकआउट करो, इधर का पहाड़ चेकआउट करो, ये बहुत ही बेस्ट जगह है। चलो गाइस अभी मिलते हैं फिर से मोटर ब्लॉक में ही ना। आइलैंड मार्केट ये थोड़ा आगे निकल गया था, हम लोग कुछ कुछ सामान लेंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस दीदी का दुकान से हम लोग सामान ले रहे हैं, और दीदी ये जगह का नाम क्या था, मंजू गलत है ना, मंजू जो आप लोग का मतलब पहले, हाँ अच्छा ये मंजू बोलने वाला लाइक ईदू में आता है क्या, अच्छा मिसमी में आता है ना, अच्छा हाँ हाँ मिसमी में आता है ना मंजू बोलने वाला। तो यहाँ से हम लोग कुछ सामान ले रहे थे, और ये हाँ हाँ वॉलम जा रहे हैं, दीदी का दुकान से लिया हमने कुछ सामान वगैरह ले लिया, और दीदी यहाँ पे गाले बना रहे थे, बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल स्टाइल वाला ना। मतलब वहाँ में वन वे है, यस यस लुकुंडी के आगे से छोटा रास्ता है,
आप लोगों का घर ये पीछे है ना। तो गाइस देखो ये है मंजू गलत है, मंजू गलत विलेज में पहुंच चुके हैं हम। रात के बज चुके हैं 7:10 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वालोंग, मतलब डोंगबेली, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और वालोंग मतलब डोंगबेली। गाइस फाइनली ब्रो पहुंच गए यार। तो गाइस हम लोग वालोंग पहुंच चुके हैं, देखो वाह यार इतना बढ़िया लग रहा है। वो जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो सब घर है, लोगों का घर है। बहुत ही ज्यादा टाइट हो चुका हूँ फिर भी कोई नहीं, हम लोग इतना मेहनत करके पहुंचे। 7:30 या 7:20 हो रहा है, बाइक यहाँ पे है, यात्रा उधर शुरू कर रहा होगा शायद। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा गाइस, सच्ची में बोल रहा हूँ। मैं सोचा था हायलुंग में बैठ जाऊँ क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर करूँ सोच रहा था, लेकिन कोई नहीं हम लोग इधर आए। ये भी मतलब अच्छा डिसीजन लिया हमने, इधर ही आए। और यहाँ पे देखो मेरा घर का डॉगी का जैसे कुछ इतना क्यूट है, देखो इतना क्यूट है, वाओ वाओ। ठीक है चलो रुको। तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे डोंग की तरफ और डोंग में लगाएंगे अपना कैम्प और वहीं पे स्टे करेंगे आज को। ठीक है चलो अभी डोंग चलते हैं और कल सुबह आके मिलते हैं यहाँ पे वालोंग पे। हम लोग ने टेंट वगैरह लगा दिया काफी बढ़िया से, देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया से लगाया, थक भी गए। अभी हम लोग हॉट स्प्रिंग वाटर में नहाने जाएंगे, बंदा भी यहाँ पे कपड़ा चेंज कर रहे हैं। और कुछ ऐसा है लोकेशन यहाँ आपका, बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, आज पार्टी वगैरह भी चल रहा है, फेयरवेल सुन रहा था यहाँ पे, फेयरवेल है बोल के, तो वहाँ पे सब लोग झूम रहे हैं, डांस डांस कर रहे हैं। बट हम लोग का सामान यहाँ पे रखा है और टेंट भी लगा दिया, अभी जस्ट नहाएंगे एकदम हॉट स्प्रिंग वाटर में, सारा थकावट खत्म हो जाएगा यहाँ पे नहाने से ना, ऐसा बोलते हैं। तो जाके थोड़ा नहा लेते हैं और जितना थकावट है मिटा देते हैं इसको। ठीक है चलो, इसमें नहाने आए थे यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर पे, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर देना, लाइक यहाँ पे कुछ बना के रखा है इसी के अंदर में है, पेट करके देना पड़ता है, लेकिन पेट करके जाना पड़ेगा नहाने के लिए, बट नाला लोग है तो छोड़ो नाला लोग। अभी मैं क्या कर रहा हूँ अपना पाँव को थोड़ा थोड़ा ताला लोग बोल रहे हो त्रिलोक होता है, भूलोक, पाताल लोक, राक्षस लोक, नाला लोक भी होता है यार, ताला लोक, ताला लोक करके रखा है, इसलिए मैंने थोड़ा पाव को भिगा लिया। तो कल भाई नाला लोक में ताला लोक है। तो कल सुबह नहाएंगे बढ़िया से, लिप्स पड़ रहे हैं यार, पूरा कट्स आ रहे हैं लिप्स में, इसलिए बोला था ज्यादा किस नहीं करने, कैंसिल वहां नहाने का, मैं सोचा था बाइक दिखाओ बाइक दिखाओ और बाइक इधर रखा है, तो नहाना हुआ कैंसिल, कोई नहीं चलते चलते टेन के अंदर और टेन में जाके सोते हैं यार, बहुत ज़्यादा नींद भी लग रहा है और ये भी बंदा पूरा थका हुआ है, सोचा था नहा लूँगा, कोई नहीं पाव धुला लिया गर्म पानी से, कल सुबह आराम से नहाएंगे पेट करके पे करके। ठीक है हम लोग टेन में आ चुके हैं और ये हम लोग का स्लीपिंग बैग, इधर यात्रम का, इधर मेरा, और साथ में एक छोटा सा कंबल भी लेके आया था, तो कुछ इस तरह से भी हम लोग सोएंगे। हाँ पूरा टेन में देखो इतना सारा सामान वगैरह ढाल के रखा है और दो बंदा कुछ इस तरह से, आया मजा, घूमने पीने का जगह भी नहीं है, ऐसे स्ट्रीट होके सो जाओ ऐसे ही, मजा आ रहा ना, मजा आ रहा। तो कल आप लोगों को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग काहो, डोंग वैली, डोंग विलेज, वालोंग, पूरा एकदम बढ़िया से कीवितू हो गया। हम लोग यहाँ पे चार या पांच व्लॉग बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे और नीचे अंजाव हो गया, हायलुंग हो गया, हायलियांग हो गया, वो सब हम लोग एक्सप्लोर करें, हवाई हो गया, वो सब एक्सप्लोर करेंगे काफ़ी बढ़िया से। ऑलमोस्ट 7-8 डेज बैठेंगे हम लोग इधर ही, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इतना दूर से राइड करके आया, थोड़ा सपोर्ट कर देना गाइस। ठीक है चलो बाय बाय, आप सब भी सो जाना, गुड नाइट सबको, और बहुत जल्दी मिलते हैं गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।